स्टूडेंट, मैं आपकी वैदिक पैंट टीचर आपका स्वागत करती हूँ नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशंस की न्यू ट्रिक। भाई, हम मल्टीप्लिकेशन एक मिनटों में कर देने वाली, सेकंडों में कर देने वाली ऐसी ऐसी अप्रोच को लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिशन्स करने वाले हैं, भाई आप कॉम्पिटिशन्स लेवल तो बच्चों का स्टार्टिंग से ही होता है, क्लास फर्स्ट से वो ओलंपियाड की तैयारी में लग जाते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आगे आगे वो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में लग जाते हैं। भाई, उन सब में आप मैथमेटिक्स के, सिंप्लीफिकेशन के, मल्टीप्लीकेशन के इतने क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, पर आपको मल्टीप्लीकेशन की, वैदिक मैथ की इन अप्रोचेस को जानते होंगे, अगर आप इन अप्रोचेस से पहचानते होंगे तो आप अपने क्वेश्चनों को मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप इन अप्रोचेस का अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने अप्रोचेस के माध्यम से आपको आज मल्टीप्लिकेशन की नई नई अप्रोचेस सिखाते हैं। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की न्यू अप्रोच। हमारी मल्टीप्लिकेशन की न्यू अप्रोचेस है मल्टीप्लीकेशन टाइप्स। हम इसको नाम देते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन के टाइप्स। आज हम अलग अलग टाइप्स की अपनी अप्रोचेस को, मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे सॉल्व करके। अब पहला टाइप है हमारा टाइप वन। टाइप वन में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमने टाइप वन में मल्टीप्लीकेशन हम सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सपोज हमने मल्टीप्लाई करा, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, 65 मल्टीप्लाई 65। जब भी आपको किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आपके 5 है, तो आपके लिए ये सिंपल अप्रोच है। आपको देख के आंख बंद करते ही इस अप्रोच को, भाई इस टाइप को आपको अप्लाई कर देना है। सबसे पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25। फिर हमें आगे वाले डिजिट को उससे एक नंबर ज्यादा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 42। ये हमारा आंसर है। हमने 65 को 65 से मल्टीप्लाई करा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 25, एंड नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई 1 अबव डिजिट, 7 मल्टीप्लाई 6 इज द 7 6 42। इट्स ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज हमें, देखिए, सेम डिजिट का सेम डिजिट से, टू डिजिट में सेम डिजिट हो, 5 5 होना चाहिए लास्ट में, 25, 3 मल्टीप्लाई 4, वन मोर डिजिट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12। से आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब आप 3 देखिए, 95 मल्टीप्लाई 95। आप कोई भी ले सकते हैं इसमें, लास्ट में 5 होना चाहिए, टू डिजिट की होनी चाहिए और 5 5। अब आप सीधा डायरेक्ट कर दीजिए, 5 5 25, 9 में 1 ऐड कर, 1 और मोर से 10 10 मल्टीप्लाई 9 90। इट्स ए आंसर। नेक्स्ट देखिए 85 मल्टीप्लाई 85। आप कोई भी 100 के अंदर नंबर ले सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 1 more 9 9 multiply 8 72। आंसर। नेक्स्ट देखिए 25 multiply 25 5 5 25 2 multiply 3, 1 more digit, 3 multiply 2 3 2 is 6। इट्स ए आंसर। 1 more आप किसी को भी ले सकते हो,
जैसे 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5 25, 1 1 मोर 2 2 मल्टीप्लाई 1 2, इट्स ए आंसर। सेवेंथ देखिए, 45 मल्टीप्लाई 45, 5 5 25, 5 मल्टीप्लाई 4, 1 मोर देखना है, 5 मल्टीप्लाई 4, यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई 1 करा, 1 से एक डिजिट आगे 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 8 से 1 डिजिट आगे 9, 9 मल्टीप्लाई 8, 2 से 1 डिजिट आगे 3, 2, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको अपने माइंड से करना है वर्बली, आप वर्बली ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे, ये हमें समझाना पड़ रहा है तो टाइम लगता है इसमें। 5 4 20, इट्स ए आंसर। इस तरह हमने देखा, हम इसको 75 मल्टीप्लाई 75 से भी कर सकते हैं, 5 5 25, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 7 56, इट्स ए आंसर। आपने देखा इसको, हमने 15 25 35 45 55 55 का भी देखिए, 55 मल्टीप्लाई 55, 5 5, हमें ये नहीं देखना कि दोनों तरफ 5 5 है, हमें अपना वन प्लेस पे 5 को देखना है, 25 नेक्स्ट प्लेस को वन मोर डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, इट्स ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 8 था, ये 9 था, आपने टाइप 1 में देखा, हमने सेम डिजिट में सेम अप्रोच लगाकर सेम क्वेश्चन किया, सेकंड दो डिजिट के नंबर होने चाहिए, लास्ट में हमारे 5 होना चाहिए, टाइप 1 में सेम डिजिट का सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई देखा, जहां भी आप इस टाइप से देखें आप अपनी अप्रोच को अप्लाई करिए और आप मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमें करना है, आपने देखना है टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1, हमने टाइप 2 में क्या करना है भाई, हमें देखना है मल्टीप्लाई करना, हमें हाफ से पॉइंट वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरह करेंगे पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, हम सपोज हमें करना है 24 को 1.5 से, जब भी हमें किसी भी डिजिट को, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो कोई भी हो 4 डिजिट हो, हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए एक ही रूल अप्लाई है, क्या मेन, तो सबसे पहले हमें मेन को नीचे उतारना है सेम, और इसके हाफ को यानी 1, ये वाला 1 हमारा यानी 1 को हमने सेम की सेम उतारना है, पहली बार हमें सेम उतारना, दूसरा 0.5 यानी हाफ, इसके हाफ को उतारना है, 24 का हाफ 12, इसको हमें ऐड करना है, 6 3 36, ये हमारा आंसर, यानी 24 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 36। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आप इन टाइप्स को, अप्रोचेस को अच्छे से तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का लगे कि हमारी अप्रोच सेट हो सकती है, आप उस अप्रोच को अप्लाई कीजिए। 36 मल्टीप्लाई 1.5 बाई 36 को हमें 1.5 से अप्लाई करना है, तो पहले हमें देखिए 1 पॉइंट में जब हो, हमें 1 दे रखा है यानी हमें सेम डिजिट उतारना है 36, फिर हमें 0.5 है यानी आधा, 36 का आधा क्या होगा, आधा होगा 18, हमें इसको ऐड करना है, आंसर इज 54, ये हमारा आंसर है, इजी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंडों में करेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि हमें समझाना पड़ता है पॉइंट टू पॉइंट, पर आप प्रैक्टिस करके वर्बली डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 डिजिट में देखते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट 1 पूरा हाफ 72, इसको प्लस करेंगे,
सिक्स और 216 इट्स ए आंसर। लास्ट वन मोर देखिए, 850 मल्टीप्लाई 1.5, वन से करना है तो 850 हमने पूरा उतारा प्लस 0.5 यानी हमें इसका हाफ करना है। हाफ क्या होगा इसका, 850 का हाफ क्या होगा, इसको बाय 2 करो, यानी नहीं पता चलता तो आपको 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा यानी 425, इसको ऐड करेंगे 5 7 12 1275 इट्स अ आंसर। ये हमारा आंसर है। अब हमने आपको दिखाया कि कैसे हम 1.5 से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसी टाइप में, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। क्वेश्चन वन देखिए, यूज भाई हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2.5। से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए ट्रिक देखते हैं। हमने 1.5 के लिए ट्रिक देखा, अब 2.5 के लिए देखिए, 24 मल्टीप्लाई 2.5। 2.5 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है। हमें 2.4 को क्या लिखना है, 10/4 भाई, 4 6 जा 24, 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 आंसर। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए,72 मल्टीप्लाई 2.5 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/4 इसको हमने कट करा, हमारे पास आया 18 18 10 180 आंसर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व होएगा, इजीली आप कर सकेंगे। तो चलिए अब हम अगली ट्रिक करते हैं। हमारी अगली ट्रिक है टाइप थ्री। अब हम करेंगे टाइप थ्री। टाइप थ्री में हम देखेंगे किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमें अप्रोच किस पे लगाना है। टाइप थ्री, टाइप थ्री में हमें मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। मल्टीप्लाई बाय 11 भाई, कोई भी डिजिट को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें कैसे करना है, हमें कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी, शॉर्टकट ट्रिक हमें क्या लगाना है। सपोज हम छोटे नंबर से लेते हैं ताकि आपको पहले ट्रिक समझ आए, फिर हम बड़े बड़े नंबरों पर जाएंगे। 34 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। आप बेसिक तरीके से, चाहे वो सिंपल डिजिट है, आप बेसिक तरीके से इसको अप्लाई करेंगे पर उसमें हमें टाइम लगेगा। हम शॉर्टकट में अप्लाई करते हैं। जब भी हमें 11 से अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें राइट लेफ्ट लिखना है। इसको हमें यहाँ पर राइट में लिखना है, इसको हमें लेफ्ट में लिखना है और बीच में हमें इन दोनों को ऐड करना है। 3 और 4 7 यानी हमारा आंसर हुआ 374 इट्स ए आंसर। तो देखा हमने सेकंडों में कैसे सॉल्व कर दिया, 11 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना हमें लेफ्ट राइट, हमने इसके दो पैर बना लिए, 2 इधर 3 इधर, हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके हम बीच में लेंगे 2 और 3 5, आंसर क्या आया हमारा 253 आंसर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 54 मल्टीप्लाई
11, left, right, 5, 4, 5 plus 4, 9. Answer is 594. Easy है ना 11 से multiply करना. अब आपको approaches पता चल रही है, multiplication करना easy लगता होगा. पहले हमें multiplication करना बहुत tough लगता था. Multiplication इतना tough लगता था कि हमें addition subtraction easy लगने लगता था. पर हमारी approaches से multiplication भी easy हो गया है. देखिए अब ये देखिए 11 multiply 72. अब हमें घबराना नहीं है कि 11 आ गया 72 इधर आ गया, भाई हम 11 को ऐसे करेंगे तो क्या. नहीं, हमें इस साइड भी वही ट्रिक अप्लाई करनी है, अपना अप्रोच लगाना है. 7 प्लस 2 9 आंसर, यानी 792 हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट देखिए, अब हम डिजिट बढ़ा देते हैं अपना, भाई 127 मल्टीप्लाई 11. अब 3 डिजिट आ गए, आपको घबराना नहीं है कि 2 डिजिट में तो हम ऐड कर देते थे, 3 डिजिट में कैसे करेंगे. 4 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी. आपको सिर्फ अप्लाई करना है. 127 में कैसे करना है, 1 लिखा, 7 लिखा, 1 पहले 2 और 7 को ऐड करा, 9, फिर 1 और 2 को पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3, यानी आंसर आया 1397. इट्स ए आंसर. हम इन अप्रोचेस को कितने ही बड़े डिजिट पर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं. 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी और सिंपल हो गया है. आप अप्रोच को प्रैक्टिस करेंगे तो आप 11 से मल्टीप्लाई सेकंडों में कर सकेंगे. ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होती है, आप सेकंडों में इसको कर सकेंगे. अब हम डिजिट को थोड़ा बढ़ा के बताते हैं कि किस तरह, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अभी हमने 2 डिजिट 3 डिजिट में सीखा, अब हम 4 डिजिट में सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4914 मल्टीप्लाई 11, हमें राइट लेफ्ट करना है, 4 4. पहले हमें 4 और 9 को प्लस करना है, 9 और 4 13, 13 का 3 1 यहाँ पे कैरी, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 और 4 5. अब हमें क्या करना है, इसका हमें करना है यहाँ पर. अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें 4 लगाना है, 9 नहीं है, 4 है, 4. अब जो हमने कैरी लिया है उन्हें ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 1 और 3 4, 0 5 4. इट्स ए आंसर. देखिए हमने डिजिट को बढ़ाया और हमने 11 से मल्टीप्लाई करा तो भी हमारा सेकंडों में आंसर आया. एक और क्वेश्चन करते हैं, हम और डिजिट बढ़ा देते हैं. भई अभी हम इन्हें 4 डिजिट के लिए थे, अब हम 5 डिजिट का लेते हैं. 93842 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. डिजिट चाहे कितनी इंक्रीज हो जाए, आपको अप्लाई वही रूल करना है. लेफ्ट राइट, लेफ्ट में 9, राइट में 2. हमने लेफ्ट राइट करा, अब हम 9 और 3 को ऐड करेंगे, 9 और 3 12, 12 का 2 1 यहाँ, 3 और 8 प्लस करेंगे, 11, 11 का 1 1 यहाँ, और 8 और 4 12, 12 का 2 यहाँ 1 यहाँ कैरी करेंगे, आगे वाले डिजिट पे कैरी करेंगे, 4 और 2 6. अब हम करेंगे इसको, 921262 हमारा आया. इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 कैरी है, इसके ऊपर भी 1 कैरी है. अब हम करेंगे 9 पीछे से करेंगे, 262112123910. इट्स ए आंसर.
ये हमारा आंसर आया। हम बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन भी इजीली सेकंडों में कर सकते हैं। आप इन्हें करिए और समझिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, फिर हम आगे अपना टाइप 4 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 29528 मल्टीप्लाई 11, 28, 9 और 2, 10, 11, 11 का 1, 9 और 5, 14, 14 का 4, 1 कैरी, 5 और 2, 7, 2 और 8, 10, 2, 1, 3, 2, 4, 7, 1, 8, 0, 8 आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, टाइप 4। अब हम टाइप 4 को करेंगे। हमने टाइप 3 तक देखा, अब हम टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 में हम न्यू अप्रोच को करेंगे। हम देखते हैं टाइप 4 में एक न्यू अप्रोच क्या लगती है हमारी। हमें मल्टीप्लाई करना है, एक डिजिट ऐसे देखने हैं, मल्टीप्लिकेशन करना हमें 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी हमें कोई भी डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हमने 11 से मल्टीप्लाई सीखा, अब हम 5 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमारी 5 से आ जाए तो किस तरह करना है हमें। आप एक सीखिए, फिर आगे आप वर्बली इजीली कर सकते हैं। 32 मल्टीप्लाई 5, कोई भी डिजिट, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, अगर आपको 5 से कोई डिजिट मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या ट्रिक लगानी है वो आपको देखना है। पहले आप अच्छे से समझिए, फिर आप उसको अप्लाई कीजिए। तो देखिए, आप आगे वाले को 2 से डिवाइड करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे एक दो सम में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप इजीली डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए, 2 से डिवाइड किया, 16 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 160 आंसर। हम डायरेक्ट आंसर निकाला। अब देखिए, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6 2, मल्टीप्लाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 320 आंसर। अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब हम लिखेंगे नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 28 मल्टीप्लाई 5, हमें पता है हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 114 मल्टीप्लाई 10, 140 आंसर। नेक्स्ट देखिए, हम डायरेक्ट करेंगे, हमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हमें अप्लाई करना आ जाता है अप्रोच को, और हम फास्टली स्पीड से करने लग जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लीजिए। आप रेंडमली क्वेश्चन कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमें पता है इसको हाफ करना है, तो हाफ करके हमारा आएगा 28 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 280। नेक्स्ट स्टेप में आप 10 भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आपने देखा 5 से मल्टीप्लाई करना, अब हम करेंगे 15 से। वही अप्रोच में 15 से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। अभी हमने 5 से सीखा, अब हम 15 से सीखेंगे। 15 से करना भी बहुत इजी है, तो देखिए 15 से कैसे करना है। इस टाइप में हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 15। भाई कोई भी डिजिट को आपको
15 से मल्टीप्लाई करना है तो कौन सी अप्रोच लगाएंगे, हम मल्टीप्लाई में आपको हर स्टेप बताएंगे, किसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इन अप्रोचेस को अप्लाई करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए 15 से मल्टीप्लाई किस तरह करना है, आपको इसे सॉल्व करना है मल्टीप्लाई बाय 15। तो हम देखते हैं इसमें क्या अप्रोच लगेगा। यह भी बहुत इजी ट्रिक है, आपको देखना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30, वंस प्लेस 0 ऊपर और 3 डाउन में। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35 प्लस 6, 5 7 35 प्लस 6 कितना हो गया 41, 1 up 4 down। फिर हमें क्या करना, अब 1 से रह गया, इससे हमें कुछ नहीं करना, 1 का मतलब हमें वंस प्लेस के डिजिट को एज इट इज लिखना है, यानी हमें 7 को ऐसे ही लिखना है। अब हमें इसको ऐड करना है, 7 plus 4 11, 1 plus 3 4 0, इट्स ए आंसर। ये देखिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई मिनटों में करा, मल्टीप्लाई बाय 15 में हमें जो अप्रोच लगाई उस अप्रोच से हमने इसको मिनटों में सेकंड में सॉल्व किया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए तो आपको इजीली समझ आएगा कैसे हमने सॉल्व किया। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, 21 मल्टीप्लाई 15। पहले आपको क्या करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आया 5। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आया 10। 10 की 0 अप 1 डाउन। 10 प्लस 1, हमने 1 भी प्लस करना था 10 में, हमने क्या करा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करी एज इट इज लिखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 प्लस 1, हमने नेक्स्ट डिजिट को ऐड करना है, यानी 11, 11 का 1 अप 1 डाउन। अब हमें क्या करना है, ये 1 हमारा रह गया, इस 1 का मतलब है कि वंस प्लेस के डिजिट को एज इट इज उतारना। अब हमें ऐड करना है, 2 1 3 1 5, इट्स ए आंसर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली से आ जाएगा, पर प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार ये ट्रिकी लगता है, पर वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो सम करके देखेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए अलग से एग्जांपल देखिए, 82 मल्टीप्लाई 15। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 की 0 अप 1 डाउन। 5 को 8 से करेंगे 40, 40 प्लस 2 42, 2 अप 4 डाउन। 1 यानी 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 और 4 12, 2 1 3 0 आंसर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आपको बीच में एक स्टेप करने की, ये वाला स्टेप करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए इसको, अब हम डिजिट इंक्रीज कर देते हैं, 3 डिजिट में आ जाते हैं हम। 4 95 मल्टीप्लाई 15, चाहे कितने ही डिजिट इंक्रीज हो जाए मल्टीप्लाई हमें 15 से करना है तो आपको ये अप्रोच अप्लाई कर देना है। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, 5 अप 2 डाउन में। 5 को 9 से करा 35 प्लस 5 40, 40 की 0 अप 4 डाउन में। 5 को 4 से करा 20, 20 प्लस आपको क्या करना है, 20 प्लस 9 29, नेक्स्ट वाले डिजिट को ही ऐड करना है। 5 4 20 20 प्लस 9 29 29 का 9 अप 2 डाउन में, और 1 का क्या करना हमें, 4 एज इट इज। 4 और 2 6, 9 और 4 13, 13 का 3 1 कैरी, 0 और 2 2 5, 1 और 6 7, 3 2 5, हमने एडिशन से इसको मल्टीप्लाई करा है और सेकंडों में यह आंसर निकाला है।
आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बीच के स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इनको कर पाएंगे। अब आप और डिजिट बढ़ा के हम एक और देखते हैं थ्री डिजिट में। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हम डिजिट बढ़ा के देखते हैं फिर हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे आपको। 29015 मल्टीबाई 15, भाई डिजिट कितने भी इंक्रीज हो जाए आपको सेम अप्रोच अप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। 5 5 जा 25, 5 अप 2 डाउन, 5 1 जा 5 सिंगल डिजिट अप, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45, प्लस 45 प्लस 0 कितना हुआ, 45 प्लस 0 हमारा हुआ 545, 5 अप 4 डाउन, 5 टू जा 10, 10 प्लस 9 19, 19 का 9 अप 1 डाउन और 2 एज इट इज, 2 1 3 9 4 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 0 5 टू 7 5 हमारा 314 35075, इट्स ए आंसर, ये हमारा आंसर है। आपने देखा कि हमने इजीली कैसे मिनटों में आंसर को निकाला। अब हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, अब प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होता है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। आप इसको वीडियो को बार बार देखिए और फिर इन क्वेश्चनों को आप करिए, समझिए। जब तक आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपको हमने सभी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा था, 49250 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 34431 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना सीखा था तो 6723 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप राइट या रॉन्ग करके आंसर लिखेंगे और अपने आंसर को बेसिक तरीके से अपने आंसर को चेक भी कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका किया हुआ क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, पर आप प्रैक्टिस जरूर करना। हम आगे और भी न्यू न्यू अप्रोच आपके लिए लेके आएंगे, आप इनके करते रहिए प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा। ये आपके मैथ के लिए बहुत ईजी और अच्छी ट्रिक्स है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा भाई, कोई आपके लिए बेकार नहीं है, हम मैथ्स को इजी बनाने के लिए लेके आएंगे। अब हमारा पजल टाइम है, पजल हमारा टेस्ट का होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, माइंड का टेस्ट होता है, हमारी माइंड की एक्सरसाइज होती है, पजल करना बहुत जरूरी है, बिना पजल आप कुछ नहीं कर सकते, वैदिक मैथ पॉसिबल ही नहीं है, पजल करने से हमारा माइंड एक्टिव होता है। तो देखिए आज की पजल क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, आप आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। माइनस ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू 6, आप पजल को सॉल्व कीजिए, देखिए आपका माइंड एक्टिव होता है, चाहे कितनी ही सिंपल पजल क्यों ना हो आप उसको सॉल्व करने में अपने माइंड को एक्टिव करते हैं, भाई बार बार देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा, भाई हम इसको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर सॉल्व करा करो और अपने आंसर को चेक किया करो। आप इस पजल को सॉल्व करिए, जिसकी पजल सॉल्व हो जाए आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने नेम के साथ मेंशन करिए। ये नहीं है कि हम आपके कमेंट देखते नहीं है, कमेंट जरूर देखते हैं, हाँ हम रिप्लाई नहीं कर पाते, पर आप कमेंट करते रहिए,
हम आपकी कमेंट को जरूर देखते हैं। कोई भी चीज आप वेस्ट नहीं जाती, आप अपना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके इन छोटी छोटी नई ट्रिक्स को सीखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट से ही मोटिवेट होकर हम न्यू न्यू ट्रिक्स लेके आते हैं, और हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए और हमारे साथ अंत तक बना रहे करिए, ताकि हम न्यू न्यू ट्रिक्स जो बातें आपको बताते हैं, जब आप क्लास में लेते हैं, आप वीडियो सुनते हैं, तो आपको तभी पता चलती है, अपने आप से पता सुनेंगे तो वो बातें आदि रह जाती है, तो आप उसे अच्छे से सुनिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।